ओके okay, नमस्कार आदाब सत श्रीकाल मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में आज है 16 मार्च 2022 आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता तो हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं इसी तरह से डेली फॉलो करते रहिएगा इस चैनल पे एंड डेफिनेटली आप बहुत ही शानदार मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं अच्छे से उसको रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए कंटेंट जो दे रहा हूँ वो बहुत ही शानदार है जो कि आपके एग्ज़ाम सेंट्रिक है जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग है तो उसी को हम करते हैं डेली बेसिस पर इसी वक्त बने रहेगा जुड़े रहेगा शुरुआत करते हैं आगे सेशन की गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग इन केस अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट लेने के इच्छुक हो तो हमारा मॉक टेस्ट स्टडी नीति डॉट कॉम का स्टडी नीति का मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए और अगर आप डेली टारगेट्स चाहते हैं डेली प्रैक्टिस पीडीएफ चाहते हैं क्विज चाहते हैं तो भी आपको हम नोटबुक सीरीज के जरिए प्रोवाइड करवा रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर आप देख सकते हैं उसको राइट right, पहली न्यूज आज सबकी है और वो न्यूज आई है यहां पर आपकी रिलेटेड टू दी कोविड वैक्सीनेशन बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन जो बच्चे यहाँ पर आपके 12 साल के हैं कुछ रोज़ पहले ये 15 से 18 वर्ष के लिए शुरू की गई थी अब ये 12, 13 और 14 साल के बच्चों के लिए भी शुरू हो गई है कोविड वैक्सीनेशन पहली न्यूज़ आपकी यही है जिनका जन्म 2008, 9 या 10 में हुआ है इनके लिए वैक्सीनेशन आपकी लगेगी और इस वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन लग रही है उस वैक्सीन का नाम है कोर्बीवैक्स ओके कोर्बीवैक्स वैक्सीन वैक्ष जो कि यहाँ पर बच्चों को लगाई जा रही है फिलहाल यहाँ पर सरकार के द्वारा इसके बहुत सारे डोजेस खरीदे जा चुके हैं यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने ओके और ये बायोलॉजिकल ई e जो है इसको यहाँ पर हाल ही में मंजूरी मिली थी फ्रॉम दी फॉर कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन के लिए 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए जिसमें 15, 16, 17, 18 की ऑलरेडी हम देख रहे हैं लास्ट दिनों में हुई थी जनवरी में स्टार्ट और अब गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि अब आप 12 से 14 साल के बच्चे भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दिया है 1500 करोड़ का जून 2021 में ताकि 30 करोड़ डोजेज जो हैं कोर्बीवैक्स की वो यहाँ पर आपकी मिल सके और इंडिया की पहली खुद की इंडिया में ही बनी हुई यहाँ पर एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है कोविड 19 की ये टाइप है एक वैक्सीन का रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट इस तरह की वैक्सीन इंडिया में पहली बार इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई गई है ध्यान रखना कोर्बीवैक्स नाम है हैदराबाद की एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई उसके द्वारा ये बनाया गया है इसने यहाँ पर 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को लिए ये कोविड वैक्सीन यहाँ पर डिज़ाइन की गई थी बनाई गई और इसको यहाँ पर अब लगाया जा रहा है 12 से 12 13 14 साल के बच्चों के लिए इवन इनका जो ट्रायल है उसकी मंजूरी दे दी गई जो कि बच्चों के लिए है पाँच वर्ष से ज़्यादा अगर बच्चे हैं उनके ऊपर यहाँ पर जो साल तक के बच्चों के लिए यहां पर ट्रायल शुरू हो चुका है ठीक है सो so, यह आपकी कंपनी कॉर्बीवैक्स और इसमें खास बात यह है कि कॉर्बीवैक्स जो बनाई गई है बायोलॉजिकल ई और ये इंडिया की पहली खुद के द्वारा बनाई गई एक टाइप यहां पर नीचे लिखा हुआ है इस वैक्सीन का उस टाइप की है राइट सो दिस कोविड 19 वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन अगली न्यूज थर्टी सेवन फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ द एनसीआरबी एनसीआरबी क्या है एनसीआरबी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यहाँ पर न्यू दिल्ली में यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन ऑब्जर्व किया गया सेलिब्रेशन था क्यों सेलिब्रेशन था क्योंकि इसकी सैंतीसवीं फाउंडेशन डे था ठीक है थर्टी इसका फाउंडेशन थे था हाल ही में और इसी मौके पर यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर मौजूद थे ये पहली बार हुआ है कि भी किसी भी तरह किसी एन के फाउंडेशन डे पर हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हों ये फर्स्ट टाइम हुआ है इसके अलावा उन्होंने थर्ड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम एंड साइबर चैलेंज 2022 को भी यहां पर इसी इवेंट में आपका इनाइग्रेट किया आपका प्रेजेंट किया ठीक है एनसीआर भी नाइनटीन में एस्टेब्लिश की गई थी रिकमेंडेशन थी टंडन कमेटी नेशनल पुलिस कमीशन की एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स की इसको यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू यहाँ पर डिजाइन किया गया था उसके रेजोल्यूशन उसके प्रस्ताव के थ्रू जो कि 11 मार्च 1986 को यहाँ पर देखने को मिला था सो so, पॉइंट से क्वेश्चन हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया ये कौन से मिनिस्ट्री के तहत आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है अगली चीज इसके थोड़े पास्ट के बारे में पूछ सकते हैं कब बना था 1986 में ये बना था और किसकी रिकमेंडेशन में बना था ये रिकमेंडेशन थी टंडन कमेटी ऑन नेशनल पुलिस कमीशन ये एक रिकमेंडेशन थी और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस थी राइट right? और इसके अलावा यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 11 मार्च 1986 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था उसके तहत यहाँ पर बनाया गया था दैट इज एम मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नीचे इसके स्टेटिक फैक्ट लिखे हैं डायरेक्टर इसके विवेक गोगिया है हेडक्वार्टर है, इसका न्यू दिल्ली में है ठीक है चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का एक डाटा आया है जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि ऑफिशियल हमारे इंडिया की एक एजेंसी है एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करता है इसके तहत एक बेरोजगारी दर का एक आंकड़ा दिया गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए चलिए देखते हैं क्या डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सनस ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव So, पहला डाटा आपको देखने को मिला जिनकी एज 15 या उससे ज्यादा है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेरोजगारी दर क्या है बेरोजगारी दर को आप इस तरह से कुछ समझ सकते हैं इस तरह से कुछ डिफाइन कर सकते हैं कि कितने लोग तैयार हैं आपका नौकरी के लिए और कितनों को नौकरी नहीं मिली है मिली है इस तरह से आप उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को समझ सकते हैं डिफाइंड परसेंट परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन दी लेबर फोर्स लेबर फोर्स से यहाँ पर मतलब है कितने लोग यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं सक्षम हैं उसमें से कितनों को यहाँ पर नौकरी नहीं मिली है दैट्स दी the... अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहला निकाला है पंद्रह साल या उससे ज्यादा के लिए यहाँ पर अर्बन areas की मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर कम हुआ है 12.6 प्रतिशत पहुंचा है अप्रैल से जून 2021 का ये डाटा आया है और इसी पीरियड के दौरान लास्ट ईयर ये, ये 20.8 परसेंट था अब उससे पिछली बार ये अप्रैल जून 2021 से पिछली बार अप्रैल जून दो के बीच में एम्प्लॉयमेंट रेट जो बीस था वो यहां पर अब गिर तकरीबन 12 परसेंट हो गया इसका कारण ये है क्योंकि उस दौरान जब 20.8 परसेंट हुआ तो उस दौरान यहां पर कोविड लॉकडाउन लगा था याद होगा आपको उस टाइम कोविड कोविड आया था लॉकडाउन लगा था सो दैट्स दैट वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा हुआ था लास्ट ईयर फिर भी इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था इन कंपैरिजन टू तो प्रीवियस ईयर ये डाटा जैसा मैंने आपको बताया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा दिया गया है जोबलेसनेस वॉज हाई इन अप्रैल जून 2020 हजार बीस ड्यू टू द कोविड 19 ये मैंने आपको बताया अब इसके अलावा यहां पर मैं बात करूं पंद्रह साल उससे ज्यादा जनवरी मार्च 2021 की उस दौरान ये 9.3 परसेंट आया है अर्बन एरियाज में एंड एज पर लेबर फोर्स सर्वे जो यहां पर हुआ है इस सर्वे को पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं इसके अलावा यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट महिलाओं का बताया गया है और ये महिलाओं का जो रेट है ये डिक्लाइन हुआ है ये भी 14.3 परसेंट अप्रैल जून 2021 जो कि पिछली बार 21.1 परसेंट था और अगर मेल्स की बात करूं तो अर्बन एरियाज में ये भी यहां पर 12.2 परसेंट हुआ है इसी पीरियड

रेट रहा है इन कंपैरिजन टू 20.8 अप्रैल जून 2021 को अगर अप्रैल जून 2020 के मुकाबले में यहां पर कंपैरिजन करूं इसके अलावा यहां पर नीचे चलेंगे तो नीचे यहां पर जो डाटा दे रखा है वो यहां पर अब आ, मेल एंड द फीमेल का अलग अलग कर दिया है मेल या फीमेल का अगर मैं अलग अलग करूं तो फीमेल में फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट हुआ और मेल में यही डाटा ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट हुआ ठीक है ओवरऑल ये ट्वेल्व परसेंट फीमेल में फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट है और मेल्स में ये ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट है अप्रैल जून दो हजार इक्कीस का ठीक है तो ये तो आपका हुआ यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा इस पीरियड के दौरान ओवरऑल मेल एंड द फीमेल का अब यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एज ये जनवरी मार्च 2021 का भी यहां पर इसी दौरान डाटा दिया गया और वो दिया गया है 9.3 परसेंट यहां पर इसका डाटा अच्छा 9.3 परसेंट जनवरी से मार्च यानी कि उस वक्त ये उससे भी कम था अब काफी ज्यादा इन कंपैरिजन अगर कंपैरिजन करें मतलब मार्च जनवरी मार्च दो में स्मूथ थी पोजिशन सब कुछ सही था तो उसका कंपेरिजन फिर बाद के डाटा से किया गया आई होप ये तीन चार पिछला ज्यादा याद मत करना बट एटलीस्ट जो अप्रैल जून 2021 का डाटा है तीन चार पॉइंट्स हैं उनको जरूर याद कर लेना ठीक है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज आपकी आई है मिशन इंद्रधनुष से मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा मिशन है जो कि बेसिकली जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन जो होती है आपकी भी हुई थी मेरी भी हुई थी सबकी होती है बच्चों की बहुत सारे टाइम टू तो टाइम वैक्सीन्स लगती हैं आपके बच्चों को ये वैक्सीन वो वाली वैक्सीन नहीं है जो हम कोविड के लिए जानते हैं ये बाकी चीज़ों की वैक्सीन है बच्चों को जो बीमारियां हो सकती हैं उनको यहाँ पर पहले ही उनको वैक्सीनेट किया जाता है उन बीमारियों से बचने के लिए जिसमें से एक बहुत ही फेमस पोलियो है पोलियो ड्रॉप्स पोलियो का इंजेक्शन वगैरह वगैरह वो बच्चों को लगाया जाता है उसी में उसी को यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिया में सभी के सभी बच्चों को वैक्सीनेट करना सभी के सभी बच्चों को इस तरह के यहाँ पर बीमारियों से बचाने का जो मिशन है या जो स्कीम है उसका नाम मिशन इंद्रधनुष रखा गया था ये मिशन इंद्रधनुष कोई कल की स्कीम नहीं है ये बहुत पुरानी स्कीम है चलिए देखते हैं बाकी इस पूरी न्यूज़ में क्या है इस न्यूज़ को समझने से पहले पहले मिशन इंद्रधनुष पर ही चल लेते हैं मिशन अंदर धनुष यहाँ पर 2014 में स्टार्ट किया गया था ये एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है यानी कि बच्चों को यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे जितने भी हैं उनको यहाँ पर इम्यूनाइज करना है यानी कि उनको किसी भी बीमारी से बचाने के लिए यहाँ पर आ, आपका आ, उनको टीकाकरण किया गया वैक्सीनेट किया गया है और इसके तहत अब तक 90 जो है टारगेट को अचीव कर लिया गया है आपका आईएमआई अब ऑब्वियस है यह दो हजार में आया था अब इसके बाद यहाँ पर अलग अलग वर्जन आते रहते हैं हर एक वर्ष कुछ ना कुछ नए टारगेट्स को जोड़कर तो एम आई मिशन इंद्रधनुष ठीक है सो so यहाँ पर आपका लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा टू प्रोवाइड रिटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस टू अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन ऑल्सो चिल्ड्रन अप टू ईयर्स एंड प्रेगनेंट वीमेन ओके सो इसमें यहां पर इन पे भी फोकस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत ये आपका आता है चलिए अब इस न्यूज़ न्यूज़ पे चलते हैं आखिरकार क्या कहती है न्यूज कहती है? है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक हुआ था जिसमें ओडिशा यहाँ पर टॉप किया है इस मामले में वैक्सीनेशन के मामले में यानी ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जो कि फुल इम्यूनाइजेशन के फील्ड में फुल इम्यूनाइजेशन के लिस्ट में आ चुका है तकरीबन वहां नाइनटी बच्चों को यहां पर ये वैक्सीनेट किया जा चुका है इस मिशन इंद्रधनुष के तहत इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष मैंने आईएमआई पढ़ा था ना अपने पूरा नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष वाज रोल्ड आउट ऑन 7 मार्च 2022 हजार बाईस पर फोर्थ वर्जन जो आया था वो हाल ही में 7 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था उड़ीसा में ही किया गया था टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन एंड फॉर बूस्टिंग फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज और इसी मौके पर यहाँ पर यह डाटा आया कि ओडिशा में क्यों किया गया क्योंकि ओडिशा यहाँ पर इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां पर इस तरह का जो टारगेट है वो नाइन्टी परसेंट तक अचीव कर लिया गया है बीस डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की यहाँ पर फाउंड दैट वहां पर नाइन्टी परसेंट से भी ज्यादा ओके है अचीवमेंट है यहाँ पर और दस दस डिस्ट्रिक्ट बाकी जो है वहां पर नब्बे से ज्यादा है लेकिन उसको भी बहुत जल्दी कर लिया जाएगा इसमें यहां पर कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड हैं और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं यह आप पढ़ सकते हो याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट रीड देना है आपको और आपको पता लगेगा किस किस के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है सो so, इस न्यूज में, न्यूज में सिंपल सी है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो कि यहां पर हाल ही में ओडिशा में लॉन्च किया गया इसका फोर्थ वर्जन और उसी दौरान यहां पर यह चीज अनाउंस की गई चीज देखी गई कि ओडिशा यहां पर भारतीय राज्यों में एक ऐसा राज्य है जहां पर मिशन इंद्र के जो अचीवमेंट है वो 90 परसेंट तक हो चुकी है जिसमें से तकरीबन 20 प्रतिशत जो आ, 20 सॉरी 20 डिस्ट्रिक्ट जो है वह 90 परसेंट कवर कर लिए जा चुके हैं और बाकी दस नाइन्टी परसेंट से कम है वो भी जल्दी कवर कर लिए जाएंगे और इसीलिए ओडिशा में इस आईएमआई 4.0 की शुरुआत की गई अब ये जो मिशन इंद्रधनुष है इसका जो मेन मोटिव है मेन दायित्व मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके तहत क्या है कि सभी बच्चों को यहां पर आपका वैक्सीनेट करना नीचे दिए गई इतनी सारी बीमारियां हैं इन सब से उन बच्चों को बचाना और ये जब शुरू हुआ था तब हुआ था 2014 में 2014 में इसका शुरुआत हुई थी मिशन इंद्रधनुष की और आज ये अलग अलग वर्जन के साथ नए आपके नए आपके रूप में सामने आता रहता है चलो अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज यहां पर गवर्नमेंट वाइडेंस मीनिंग ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस अंडर पॉलिसी सो पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत यहां पर आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपका यहां पर क्या होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब सिंपल भाषा में यही हुआ कि बाहर की कोई विदेशी कंपनी इंडियन कंपनीज में यहां पर इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्ट करने का मतलब वो यहाँ का एक हिस्सेदारी बन रही है शेयर होल्डर बन रही है और वो इतना शेयर होल्डिंग ले लेती हैं कि उसकी कंपनी के मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में उनका हक हो जाता है टॉप मैनेजमेंट में भी उनकी सुनी जाती है और यहाँ पर वो एक अच्छा एक टॉप मैनेजमेंट पोस्ट भी हासिल कर लेते हैं मीन्स मैनेजरियल पोजिशन जो है ऐसी कंपनीज के पास चली जाती है इसी को हम फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इंडियन कंपनीज़ में इस तरह से किया जाता है एक आपने फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सुना होगा फॉरन

अब इसमें शामिल कर लिया गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत मीन एफ अब ऑब्वियस एफ डी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है अब वो किस बिजनेस में कर सकती है इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे आपके रेगुलेशंस हैं कुछ ऐसी कंपनीज हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इनको अलाउ नहीं किया गया एफ इंडिया में आ ही नहीं सकती वो कुछ ऐसे हैं जहां पर हंड्रेड भी है कुछ ऐसे है, जहां पर फोर्टी है तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है तो यहां पर इसीलिए यहां पर एफडी पॉलिसी के संदर्भ में रियल एस्टेट बिजनेस जो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है अगर किस चीज में इमोवेल प्रॉपर्टी वगैरह को डील कर रहा है यानी कि उसको, ट्रेडिंग कर, आ, यानी कि उसको यहां पर आपका सेल परचेज जो मीडिएटर होते हैं वो कर रहे हैं और उसके प्रॉफिट कमा रहा है तो वो भी रियल एस्टेट बिजनेस में ही आएगा हाल ही में एक प्रेस नोट रिलीज किया गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा उन्होंने कहा एफ डी आई इज नॉट परमिटेड इन एनी एंटिटी विच इज एंगेज और प्रपोजेज टू एंगेज इन रियल एस्टेट बिजनेस कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज एंड ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल राइट्स ओके सो इस केस में यहां पर एफ डी आई इन्वॉल्व नहीं हो सकता एफ डी आई में यहां पर यह चीज़ नहीं आती थी कि कोई भी अगर पर्सन जो कि यहां पर इन्वॉल्व है रियल एस्टेट बिजनेस कंस्ट्रक्शन कर रहा है किसी भी तरह की फार्म हाउसेस की एंड ट्रेडिंग कर रहा है या फिर आपका ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स मतलब तो किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहा है एक जगह दूसरी जगह बेचना यहां पर तो इसमें यहां पर एफ को परमिट नहीं किया गया था ये यहां पर क्लैरिफाई किया यहां पर लेकिन फिलहाल इसमें अब शामिल कर लिया गया है डीलिंग इन लैंड एंड इमोल प्रॉपर्टी टू अर्न प्रॉफिट को अब यहां पर एड कर लिया गया है अर्निंग ऑफ रेंट इनकम ऑन लीज ऑफ अ प्रॉपर्टी नॉट अमाउंटिंग टू तो ट्रांसफर विल नॉट अमाउंट टू तो रियल एस्टेट बिजनेस और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आप अगर आप किसी भी तरह का रेंट कमा रहे हैं इनकम कमा रहे हैं कोई घर को किराए पर दे रहे हैं तो वो भी यहां पर रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है रियल एस्टेट बिजनेस मींस डीलिंग इन लैंड एंड इमोवेल प्रॉपर्टी विद व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट देयर फ्रॉम एंड डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पजेज प्रीमाइसि रोड्स और ब्रिजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रिएशनल फैसिलिटी सिटी एंड रीजनल लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप एंड एक्सेक्ट्रा एंड एक एक्सेट्रा अब ये नीचे वाली जो डेफिनेशन है इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं वैसे रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा रियल एस्टेट में तो हो सकता है ये सब चीजें इंक्लूड हो लेकिन मैं एफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग रियल एस्टेट की बात कर रहा हूं कि FDA जो है इंडिया में रियल एस्टेट बिजनेस में कहां पर अलाउ किया गया और वो केवल यहां पर अलाउ किया गया है कि कोई ऐसी कंपनी जो कि यहां पर डील कर रही है ऐसी इमोल प्रॉपर्टीज में जो कि डीलिंग करके जिससे प्रॉफिट कमाती है ऐसी कंपनीज में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है एफडीआई का इसके अलावा यहां पर कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता बशर्ते वो चाहे उसकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में वगैरह वगैरह में इन्वॉल्व रहती है तो भी ठीक है आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट ने यहां पर रियल एस्टेट बिजनेस के जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा सा चेंज किया है बदला है अगली न्यूज यहां पर आई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनग्रेट किया यहां पर हाल ही में एक ऐसा मेला कह लीजिए मेला है ये स्पोर्ट्स का मेला है स्पोर्ट्स का मेला गुजरात में एवरी ईयर होता है और ये है ग्यारवा खेल महकुम और ये अहमदाबाद में इस बार किया गया है अहमदाबाद में इसको यहाँ पर शुरुआत की गई है पीएम एम द इलेवंथ खेल महा इन अहमदाबाद में पर एंड एडिशन था खेल महाकुंभ का पिछली बार कोविड की वजह से नहीं हो पाया सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लेम दैट ही अपॉइंटेड खेल महाकुंभ एस गुजरात चीफ मिनिस्टर दो में 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे खेल महाकुंभ विच बिगिन इन गुजरात इन 2010 हजार सोलह स्पोर्ट्स उस वक्त होते थे तेरह लाख लोगों ने उस टाइम पार्टिसिपेट किया था जिसमें 36 सिक्स यहां पर जनरल स्पोर्ट्स एंड ट्वेंटी सिक्स पैरा स्पोर्ट अब जाकर इसमें शामिल कर लिए गए हैं सो अब जाकर यहां पर छत्तीस जनरल और यहां पर छब्बीस पैरा स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स यानी कि जो यहां पर स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको हम पैरा स्पोर्ट्स कहते हैं तो ये अब शामिल कर लिए गए हैं 2010 में 16 स्पोर्ट्स एंड 13 लाख पार्टिसिपेंट्स के साथ ये अब यहाँ पर 36 जनरल स्पोर्ट्स अच्छा रिपीट हो गया ये ठीक है तो ये लाइन रिपीट है इसको छोड़ सकते हो ऊपर वाला ही है कब स्टार्ट हुआ तो 2010 में खेल महाकुम गुजरात से संबंधित है और तब जब स्टार्ट हुआ था तब केवल और केवल इसमें 16 खेल ही खेले जाते थे आज तकरीबन 36 खेल खेले जाते हैं इसके अलावा 16 पैरा स्पोर्ट्स uh, भी यहाँ पर शामिल हो चुके हैं इसका शुरुआत की गई है कहाँ पर की गई है अहमदाबाद में की गई है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है लोकेशन आपसे अहमदाबाद अगली न्यूज ओडिशा गवर्नमेंट एंड नबार्ड ने साइन किया है एक एग्रीमेंट टू तो इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन ओके मछली पालन को मछली उत्पादन को यहां पर बढ़ाने के लिए ओडिशा एंड नबार्ड ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर ओडिशा गवर्नमेंट एंड नेशनल ने ने बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर एक साथ मिलकर आए हैं और ये यहाँ पर मिलकर यहाँ पर क्रिएट करेंगे फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है यानी कि जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फ़िश है अब फिश को स्टोर कहीं तो करना है कोई ऐसा वेयर हाउस कोई ऐसे चिलिंग प्लांट या कुछ भी ऐसा उसको फर्दर सेल करने के लिए उसको आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पर रखने के लिए तो ये सब चीज़ें के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए उसको यहाँ पर डेवलप करने के लिए ये यहाँ पर एक एम साइन किया गया नबार्ड और ओडिशा के बीच में अब ये सब चीज़ें फैसिलिटी होंगी तो ऑब्वियस है पीछे से फिश फिश प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी मतलब फ़िश प्रोडक्शन इन देंस कि जो पकड़ना है मछली को वो चीज़ यहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो यहाँ पर मदद करेगा इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को यहाँ पर बनाने के लिए डेवलप करने के लिए इन मैरिन एंड इनलैंड सेक्टर मतलब पानी में भी बन सकती हैं पानी के मतलब पानी के साथ यहाँ पर बीचज़ वगैरह पे और इनलैंड सेक्टर का मतलब होता है जमीन के ऊपर अंदरूनी यहाँ पर जगह जो आपकी हो सकती है वहां पर भी तकरीबन नाइन पॉइंट एट करोड़ इसके लिए इनिशियली अप्रूव किए गए हैं एंड एफ ने एक टारगेट रखा है आठ से नौ परसेंट इंक्रीज का टू बूस्ट विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इंडिया टू 20 मिलियन टन का टारगेट रखा है दो हजार तक यहाँ पर ट्वेंटी मिलियन टन को हम अचीव कर लेंगे ठीक है सो so, यहां पर उड़ीसा एंड नबार्ड के बीच में एक एग्रीमेंट फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया गया है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया है जिसमें इन्वॉल्व है एफ आई डी एफ एफ आई डी एफ क्या है एफ आई डी एफ है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है कितनी अमाउंट दी जाएगी वन वन नाइन पॉइंट एट करोड़ रुपीज़ एक सौ उन्नीस पॉइंट आठ करोड़ रुपये इसकी डेवलपमेंट के लिए आपके दिए जाएंगे ये सो so ये पूरी की पूरी आपकी न्यूज ओडिशा एंड नबार्ड से आती हुई अगली न्यूज रेल टेल है रेल टेल क्या है रेल टेल यहाँ पर एक इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एजेंसी है यहाँ पर ऑन की जाती है इंडियन रेलवे के द्वारा इसको यहाँ पर एक सौ रैंक मिला है फॉर्च्यून इंडिया में जस्ट अ सेकेंड ये न्यूज पढ़ो ओके okay. इस न्यूज को देखते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा यहां पर ओन की जाती है एक सौ रैंक मिला है फॉर्चून की लिस्ट में नेक्स्ट 500 ऑफ टॉप मिड साइज कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया इट इज द ओनली टेलीकॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इसको मिला है यहां पर ये यह आपका और लास्ट ईयर ये यहां पर इसकी रैंकिंग 197 थी इस बार 124 हो चुकी है यहाँ पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है यानी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो टेलीकॉम लाइंस हैं या फिर कोई फाइबर्स हैं कोई आ, उसको एस्टेब्लिश करना कोई एक्सचेंजेस को एस्टेब्लिश करना वो सब चीजें ओनली फाइव मोर प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स आर फीचर्ड केवल केवल अगर मैं बात करूं टेलीकॉम के सेक्टर की केवल पांच और ऐसी कंपनीज कंपनी जो इसमें शामिल हुई हैं इस लिस्ट में इसके अलावा इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन तीन सौ नौवा रैंक आया है उसका इज दी ओनली रेलवे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो इस लिस्ट में आया है टोटल दस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुई है सो यहाँ पर रेल फिलहाल जो सबसे ज्यादा टॉप का रैंक आया है वो रेल का आया है और ये रैंकिंग आई है एक ये लिस्ट आई है यहां पर फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट में यहां पर शामिल हुआ है रेल टेल कंपनी रैंकिंग याद रख लेना पिछली बार क्या रैंकिंग थी वो याद रख लेना और नीचे रेल टेल का स्टैटिक फैक्ट है दैट इज पुनीत चावला एंड डी हेडक्वाटर इज इन दी न्यू दिल्ली ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर आप बाफ्टा uh, अवार्ड्स 2022 अनाउंस किए गए हैं बाफ्टा अवार्ड्स यहां पर पिछहत्तरवें एडिशन ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स ऑल्सो नॉन एज बाफ्टा अवार्ड वाज़ हेल्ड एज दी रॉयल एल्बर्ट होल लंदन रॉयल एल्बर्ट होल लंदन में यहाँ पर आपके बाफ्टा अवार्ड्स को अनाउंस किया गया पिछहत्तरवा एडिशन था यहाँ पर ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स सो ये फिल्म अवार्ड है ये पूरा नाम है बाफ्टा का दैट इज ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर आपके जिनको हम बाफ्टा अवार्ड्स भी कहते हैं ये अवार्ड्स यहाँ पर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा दिया जाता है ये बाफ्टा की पूरी फुल फॉर्म है बी ए एफ टी ओके एंड ए बाफ्टा की फुल फॉर्म है यहाँ पर आपका और ये यहाँ पर जो भी यूके की मूवीज हैं बाहर की मूवीज हैं उन सबको यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं अवार्ड्स सेरेमनी को होस्ट किया एक्ट्रेस एंड कॉमेडियन रेबल विल्सन के द्वारा द फिल्म दैट रिसीव मैक्सिमम नॉमिनेशन जिसको मिली थी वो मूवी थी ड्यून ग्यारह नॉमिनेशन मिले थे और यही मूवी जो है सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी यहाँ पर लेकर गई तकरीबन पांच अवार्ड्स इस मूवी को मिले ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स जो हैं वो हर एक वर्ष दिए जाते हैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ब्रिटिश टेलीविजन की एंड 1955 से यहां पर एनुअली दिए जा रहे हैं ठीक है सो बाफ्टा अवार्ड्स यहां पर ब्रिटेन के द्वारा पिछहत्तरवा एडिशन रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में याद कर लीजिएगा रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन रेबल विल्सन यहाँ के एक आपके एक्ट्रेस कॉमेडियन है ड्यून नाम की मूवी ग्यारह नॉमिनेशन उसी ने यहाँ पर पाँच अवार्ड्स भी जीते थे नाइनटीन से ये बाफ्टा अवार्ड्स दिए जा रहे हैं अब ये कुछ अवार्ड्स की लिस्ट है यहाँ पर ठीक है कुछ अवार्ड्स इसमें नहीं हैं बाकी मैंने जो मेन मेन थे वो सारे सारे इसमें डाल दिए हैं आप इस लिस्ट को अच्छे से देख सकते हो पढ़ सकते हो अगर पढ़ने के इच्छुक हो तो पढ़ लीजिएगा बेस्ट मूवी बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट मूवी द पावर ऑफ द डॉग ओके सो इसी तरह की बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं ठीक है मैं फिर से कहूँगा ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है लेकिन जो ऊपर ऊपर के मुझे लगा कि हाँ इनको एटलीस्ट आपको याद करना चाहिए मैंने वही आपके लिए डाल दिए कुछ और अवार्ड्स थे वो मैंने हटा दिए हैं चलो ये आप याद कर लेंगे आराम से बाद में ईजली तसली से जो भी आपको लगे सही तरीके से याद कर लीजिएगा नेक्स्ट है गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज ओके इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो दिया जाता है आपका एवरी ईयर उसके लिए इंडिया की तरफ से यहाँ पर अभी फिलहाल इंडिया क्या मतलब कहेंगे कि एक ऑथर है गीतांजलि श्री गीतांजलि श्री के द्वारा यहाँ पर एक बुक की ट्रांसलेशन की गई थी एक हिंदी नॉवलिस्ट है शॉर्ट स्टोरी राइटर है गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सैंड उनकी एक नाम है टॉम ऑफ सैंड के ये बुक है यहां पर आपकी गीतांजलि श्री की इसको यहां पर पहली बुक हैज बिकम द फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज ओके सो पहली बुक जो कि पर हिंदी में ट्रांसलेट की गई फ्रॉम हिंदी से ट्रांसलेट की गई है उस बुक के लिए यहां पर बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है बुक को ओरिजिनली पब्लिश किया गया था एज दी रेत रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड को यहां पर जो इंग्लिश वर्जन दिया था वो बनाया है डेजी रोकवेल ने लेकिन इसका एक्चुअल जो वर्जन था दैट इज दी जो हिंदी वर्जन था वो गीतांजलि श्री ने लिखा था और उस बुक को यहां पर रेत समाधि नाम दिया गया था और उसी का इंग्लिश वर्जन डेजी रोकवेल ने बनाया और उसको नाम दे दिया टॉम ऑफ सैंड ये उन तेरह लिस्ट में नोवल्स की लिस्ट में शामिल है बी तो लॉन्ग लिस्टेड फॉर द प्रस्टीजियस प्राइस इन दो ये उन तेरह नॉवल्स में शामिल है बुक कर में लेट सी अवार्ड मिलता है नहीं मिलता मिलेगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे फिलहाल गीतांजलि श्री एक बुक है उनकी दैट इज दी रेत समाधि उसका इंग्लिश वर्जन इंग्लिश वर्जन किसने डेजी रोकवेल डेजी रोकवेल के द्वारा लिखा गया और यहाँ पर आपका पहली वैसी बुक मिली है बनी है जो कि बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई है जो कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है ठीक है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओके सो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री सब्सिडरी एक्वायर बैटरी मेकअप लीथियम वर्क फॉर सिक्सटी वन मिलियन डॉलर ओके सो यहाँ पर रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड यहाँ पर रिलायंस की एक सब्सिडरी है इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है यूएस बेस्ड लीधियम वर्कस के साथ लीधियम वर्क के साथ यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है एंड टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सिक्सटी वन मिलियन डॉलर लीधियम वर्क एक यहाँ पर कोबाल्ट फ्री हाई परफॉर्मेंस लीडियम आयरन फोस्फेट बैटरीज सो ये बैटरीज प्रोवाइड कराती है यहां पर लीडियम वर्क्स नाम की एक कंपनी उसको यहां पर अब एक्वायर कर लिया है किसने रिलायंस की एक सब्सिडी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने ओके okay, इस कंपनी ने यहां पर इसको एक्वायर कर लिया है और यहां पर सिक्सटी मिलियन डॉलर की यहां पर ट्रांजेक्शन आपकी की है ठीक है चलो अगली न्यूज पे चलते हैं अगली न्यूज कहती है वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर अप किया है नजारा टेक के साथ फॉर दी ऑनलाइन गेमिंग सो यहाँ पर नजारा टेक्नोलॉजी यहां पर अब एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी गेमिंग की और वो वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए अवेलेबल रहेगी वी आई गेम्स उनकी एक ऐप है उसका नाम उन्होंने वी आई गेम्स दे दिया है वी आई गेम्स ऑन दी आई ऐप के ऊपर अवेलेबल है यहाँ पर उसमें गेम्स आप खेल सकते हैं और वो गेम्स यहाँ पर नजारा टेक्नोलॉजी नाजरा टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा वोडाफोन इंडिया को ये लॉन्च किया गया इन पार्टनरशिप विद द नाजरा टेक्नोलॉजीज थ्रू दिस डीप इंटीग्रेटेड एसोसिएशन वोडाफोन कस्टमर्स को यहाँ पर एक्सेस मिलेगा गेमिंग कंटेंट का इंक्लूडिंग पॉपुलर गेम्स टाइटल फ्रॉम वेरियस फ्रेंचाइजी इन इंडिया ऑन गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स प्लेटफॉर्म पर नजरा टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ गेम्स प्रोवाइड किए हैं जो कि वोडाफोन के पर अब खेल पाएंगे ही न्यूज है और नजरा टेक्नोलॉजी अगली न्यूज यहाँ पर एन चंद्रशेखरन को नॉमिनेट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द एयर इंडिया एयर इंडिया यहाँ पर आपका आ, काफी चर्चा में रहा क्योंकि लास्ट टाइम जो यहाँ पर एक पर्सन थे एक ईएससी है ना इन्होंने यहाँ पर पहले ज्वाइन करना था फिर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया जो भी काफ़ी कुछ इनके साथ घटनाएं मतलब जो आ, वाद ये तो मतलब विवादों में नहीं थे लेकिन हाँ ठीक है मतलब इंडियन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए थे तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा तो अब फिलहाल टाटा संस जो है वो अपने जो ट्रेडिशनल पर्सन हैं जो खुद मालिक हैं वहाँ के उन्हों उन्होंने ही बागडोर संभाल ली है एयर इंडिया की तो चेयर पर्सन ऑफ टाटा सन्स जो कि एन चंद्रशेखरन जी हैं इन्होंने ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया चेयर पर्सन ऑफ एयर इंडिया फेबर 2022 में इनको रीअपॉइंट किया गया था अगले पाँच वर्षों के लिए और अब इनको एयर इंडिया का कार्यभार भी संभाल दिया गया है ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बहुत सारी और टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं जिसमें टाटा टी है टाटा मोटर्स है टाटा स्टील है टाटा केमिकल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज है उसके ऑलरेडी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और अब ये एयर इंडिया के भी चेयरपर्सन बनने जा रहे हैं नाम है एन चंद्रशेखरन ठीक है ओके चलो अगली न्यूज पे चलते हैं चेयरपर्सन एंड एमडी लिमिटेड के कौन बने हैं रंजीत रथ रंजीत रथ सी एमडी होंगे चंद्र मिश्रा को रिप्लेस करेंगे जो कि रिटायर हो रहे हैं तीस जून दो हजार बाईस को प्रेजेंटली रथ जो है चेयरपर्सन एंड एम डी है, रंजीत रत। रंजीत रत है डी हैं आपके दैट इज ए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सो मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के यहाँ पर सीएमडी हैं रथ फिलहाल आपके और अब ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के भी एम डी ची सी एमडी बनने जा रहे हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की तो ये सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ सो ऑयल इंडिया लिमिटेड रंजीत रथ जगह लेंगे यहाँ पर किसकी सुशील चंद्र मिश्रा की यहाँ पर ये जगह लेंगे सुशील चंद्र मिश्रा जी की जगह आएंगे कौन रंजीत रथ ठीक है अगली न्यूज है बजाज आलियांस एमडी एंड सीईओ गेट्स एक्सटेंशन फॉर फाइव ईयर पांच साल का एक्सटेंशन मिल गया है बजाज आलियांस के एमडी एंड सीईओ को ये है आपके अनाउंस कर दिया गया तपन सिंगल इनका नाम है तपन सिंगल को यहां पर एक अप्रैल 2022 से अगले पांच वर्ष के लिए कंटिन्यू रहेंगे और ये आपके पहले एम डी एंड सी ओ बने यहाँ पर बजाज एलियांस के जिनको कंटिन्यू दो बार यहाँ पर एक्सटेंशन मिला है और ये आपका यहाँ पर हेड करेंगे हेड कर रहे हैं बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस का एज एम डी एंड सी ओ फॉर दी लास्ट टेन ईयर और ये फिर फर्दर दोबारा से तपन सिंगल को ही कंटिन्यू करने का फैसला किया है अगली न्यूज पिरामल फार्मा ने यहाँ पर अजय देवगन को उनका एक ब्रांड है स्किन केयर का ब्रांड है टेन टेटमोसल uh, मोसोल जो भी इसको बोलते हैं उसके लिए यहां पर इनको शामिल किया है एज अ ब्रांड एम्बेसिडर पिरामल फार्मा काफी फेमस कंपनी है बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन यहां पर अब उनकी एक uh, करेंगे ब्रांड का प्रमोशन करेंगे टेटमोसोल इज अ मेडिकेटेड स्किन केयर सोप है यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्किन इन्फेक्शन सो अजय देवगन को यहां पर पिरामल फार्मा के द्वारा उनकी एक कंपनी टेटमोसोल के लिए साइन किया गया एज ई एम्बेसिडर ब्रांड एम्बेसिडर अगली न्यूज ई एस से ने इंट्रोड्यूस किया न्यू मिशन ई एस से विजल सो यहाँ पर ई एस से दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने आप में पहले तरीके का एक मिशन जिसका नाम विजल रखा गया है जिसका मतलब होता है कि धरती को बचाना उसके नीरेस्ट स्टार से दैट इज दन से सबसे नज़दीक स्टार जो है सन ही है उससे यहाँ पर धरती को बचाना यहाँ पर आपकी एंड ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया है जिसका नाम विज़िल रखा गया विज़िल का मतलब है विजिलिया मीनिंग वेकफुलनेस वाइल विज़िलिस एक्सप्रेस मीन सेंट्री और दी दार्ड ओके बचाना उसको मिशन को पहले नाम दिया गया था लैंग रेंज लैग ले, रेंज नाम दिया गया था क्योंकि लैग रेंज एक ऐसा स्पेस है एक ऐसा जगह है जहां से यहां पर कह सकते हैं लोकेशन है उस पर्टिकुलरली जगह की लाइक like दी अगर मैं बात करूं लैंग रेंज पॉइंट आर द लोकेशन इन द आउटर स्पेस दैट आर ग्रेविटेशनली स्टेबल एज कंपेयर टू दी अदर लोकेशन सो so, इसको कहते हैं लैंग रेंज ठीक है लैंग्रेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू अदर स्पेस लोकेशंस में तो इसी लोकेशन पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ, रखी जाती हैं लगाई जाती हैं कह सकते हैं वहाँ पर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं कोई भी अगर आ, स्पेस एजेंसी वगैरह को जाना है कोई रिसर्च वर्क कंडक्ट करना है लाइक दबल टेलीस्कोप यहाँ लिखा भी होगा कहीं ना कहीं आ, हाँ नीचे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एंड गाइया स्पेसक्राफ्ट जो है जो ई के द्वारा लॉन्च किया गया था ये सेकंड लैंग्रेज पॉइंट में है और इसको पहले नाम लैंग्रेज ही दिया गया जा रहा था क्योंकि इसकी लोकेशन भी वहीं पर ही सेट करनी थी दैट इज दल फाइव पॉइंट पर इसको सेट करना है इसीलिए इसका नाम भी यही रख रहे थे लेकिन लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके विजिल रख दिया गया बेसिकली ये जो विजिल है ये ये आपका इस स्पेसक्राफ्ट को यहां पर आपका यूज किस लिए किया जाएगा ये यूज़ किया जाएगा आपकी सन जो है सूरज जो है उसकी किस तरह से सूरज में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं किस तरह से वहां पर स्टोम्स आती हैं बहुत कुछ होता है आपको सूरज के साथ तो एक पहले ही हमें चीज़ें पता लग जाएंगी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि पहले ही ऑब्जर्व हो जाएगा ये चेंजेस आ रहे हैं तो किस तरह से उसका इंपैक्ट हमारी धरती प्यारी धरती पर पड़ सकता है इसीलिए यहां पर ये एल फाइव पांचवा ज पॉइंट विच इज लोकेटेड एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सो एल फाइव जो पॉइंट है उसमें जो डिस्टेंस है सन उतना ही दूर है जितना यहां पर अर्थ दूर है तो मिड का एक पॉइंट है लैंग्रेज फाइव जहां पर इसको यहां पर रखा जाएगा दैट इज दिजल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेस क्राफ्ट अगली चलते हैं न्यूज पे अगली न्यूज आई है जर्मन ओपन बैडमिंटन दो हजार बाईस सो यहां पर यूनेक्स गेनवर्ड का, के द्वारा यहां पर आपका जर्मन ओपन 2022 ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन शटलर लक्ष्य सेन यहां पर आपका सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया नाम है लक्ष्य सेन और ये हार गए थे कुल लवुथित सर थाईलैंड से ओके सो तो इन्होंने इनसे इन्हों हार हारे और ये एनुअल बैडमिंटन प्रोग्राम है यहाँ पर इसके अलावा यहाँ नाम लिखे वीमेन सिंगल मैन्स डबल वीमेन डबल एंड मिक्स डबल किसने जीता है ओके लक्ष्य सेन इंडियन खिलाड़ी यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है अगली न्यूज फॉर्मर आंध्र प्रदेश गवर्नर कुमुद बेन जोशी इनका हाल ही में निधन हो गया कुमुद बेन जोशी पूर्व आंध्र प्रदेश की गवर्नर रह चुकी हैं आपकी ये पूर्व गवर्नर आंध्र प्रदेश इनका निधन हो गया ये गवर्नर रही थी आंध्र प्रदेश की यहाँ पर 26 नवंबर 1985 से लेकर 1990 के बीच में शी शीवाज द सेकेंड फीमेल गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर शारदा मुखर्जी दो दूसरी यहाँ पर महिला गवर्नर थी पहली शारदा मुखर्जी जी थी और ये दूसरी थी नाम है आपका दैट इज द कुमुदेन जोशी कुमुदबेन जोशी कुमुद यहाँ पर इनका नाम है इनका निधन हो गया हाल ही में अगली न्यूज पे चलते हैं वर्ल्ड ग्लूकोमा ग्लोकोमा डे कॉज ऑफ द ब्लाइंड ब्लाइंडनेस का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है ग्लूकोमा नाम की डिजीजे इसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 12 मार्च को वर्ल्ड ग्लूकोमा डे ऑब्जर्व किया जाता है और एक वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है इसी दौरान यहाँ पर आपका और द वीक हाईलाइट ग्लूकोमा एज द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल इल ब्लाइंडनेस और इसकी थीम है इस बार की दैट इज दी द वर्ल्ड इज ब्राइट सेव योर साइट ये इसकी थीम है और ये छः से बारह मार्च के बीच में वीक ऑब्जर्व किया जाता है और बारह मार्च को वर्ल्ड ग्लूकोमा डे विद दिस थीम द वर्ल्ड इज ब्राइट सेव योर साइट ग्लूकोमा अगली न्यूज वर्ल्ड रोटरेक्ट डे से आई है रोटरेक्ट डे रोटरी क्लब आपने सुना होगा आपके आसपास भी होगा आपके शहर में भी होगा रोटरी क्लब यहां पर आपका एंड uh, वर्ल्ड रोटरेक्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है तेरह मार्च को एवरी ईयर तेरह मार्च को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है टू तो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रोट्रेक्टर्स अक्रॉस वर्ल्ड जैसे रोटरी क्लब लॉयस क्लब इस तरह के बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि सोशल सर्विसेज करते हैं तो उसी में एक रोटरी क्लब है उन्हीं को देखते हुए एक पूरे के वर्ल्ड वाइड लेवल पे वर्ल्ड रोकट्रेक डे ऑब्जर्व किया जाता है तेरह मार्च को ही इस बार इसकी थीम है रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस ये इसकी थीम है और इसमें वीक भी ऑब्जर्व किया गया ग्यारह से अट्ठारह मार्च के बीच में ये वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है तो ये आपका बिगन हुआ था फर्स्ट सर्च क्लब रोटरी इंटरनेशनल 1968 में नॉर्थ कैरोलिना यूएसए में नाउ इट हैजफॉर्म इन इनटू मेजर रोटरी स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर तकरीबन 9539 क्लब्स हैं अलग अलग दुनिया में यहां पर फैले हुए हैं तेरह मार्च को विद द थीम ऑफ रोटरी मेकिंग डिफरेंस ये ऑब्जर्व किया गया है अगली न्यूज़ इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 2022 आई है ये यहाँ पर 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 25वीं एनिवर्सरी थी इस बार इसकी एंड इसका मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना आपका वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस नदियों की क्या इंपॉर्टेंस है नदियों की क्या वैल्यू है इसको यहाँ पर लोगों के सामने लेकर आना लोगों में यहाँ पर एक चीज़ बताना किस तरह से पानी रिवर्स को बचाया जा सकता है इसकी थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी इस बार की यह थीम है पहली बार 1997 में ऑब्जर्व किया गया था अगली न्यूज है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को कल ऑब्जर्व किया गया था यहां पर एवरी ईयर द डे मार्क्स एन अपॉर्चुनिटी टू अर्ज ऑल द कंज्यूमर राइट्स टू रिकॉग्नाइज आपके पास मेरे पास बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं आपके पास मेरे पास सिंपल सा एक राइट है कि सब कुछ सही हो जो भी प्रोडक्ट मुझे मिले वो सही एकदम से काम करें ये भी एक तरह का राइट है इस तरह से बहुत सारे राइट्स हैं राइट टू तो बी हर्ड मुझे सुनना चाहिए कंप्लेंट मैं करूं, तो वो सुननी चाहिए इस तरह के बहुत सारे राइट्स हैं जो कंज्यूमर के पास होते हैं उस तरह उसी के ऊपर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पंद्रह मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार जो थीम थी वो थी फेयर डिजिटल फाइनेंस फेयर डिजिटल फाइनेंस इसकी थीम थी इज इंस्पायर्ड बाई प्रेजिडेंट जोन एफ कैनेडी स्पेशल मैसेज टू यूएस कांग्रेस जब पंद्रह मार्च नाइनटीन सिक्सटी टू को उन्होंने एक मैसेज दिया था यहाँ पर आपका यूएस कांग्रेस यानी कि यू एस ए में जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है वैसे वहाँ पर उसमें एक मैसेज दिया था इसी के लिए कंज्यूमर से रिलेटेड और फिर उसके बाद ये पंद्रह मार्च को एवरी ईयर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व किया जा रहा है ओके okay, मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए बने रहिए आज क्रॉसवर्ड कुछ नहीं है कल शामिल कर दूंगा एंड एक साथ कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस और साढ़े आठ बजे मुलाकात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में आज बैंकिंग अवेयरनेस की काफ़ी न्यूज़ हैं हमारे पास तो बैंकिंग अवेयरनेस में आपको काफ़ी अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिलेंगी आज तो उसमें ऊपर डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे बहुत नई नई टर्म्स भी सीखेंगे तो ज़रूर आइएगा साढ़े बजे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में चलिए मुलाकात करते हैं सेशन पसंद आया कैसा लग रहा है सेशन जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट सेशन है और किस तरह क्या आ रहा है और खैर मैंने बात कर ली थी एस बी एफ पी ओ के रिगार्डिंग बट स्टिल एक बार फिर से कह दूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और बाकी जिनका नहीं हुआ और जिनका हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन टू डैम और जिनका नहीं हुआ है तो आपके लिए मैंने एक मैसेज दिया है उस मैसेज वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा निराश होने की ज़रूरत नहीं है हम सब आपके साथ हैं और आपकी जो मेहनत है वो भी अभी के आपके साथ ही है बस उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते रहिएगा और डेफिनेटली आप भी सक्सेस को पालोगे मिलता हूँ साढ़े आठ बजे टेक केयर लव यू बाय बाय